रहीम नेक्स्ट टॉपिक अलीगढ़ मूवमेंट के बाद देवबंद मूवमेंट देवबंद मूवमेंट भी एजुकेशनल मूवमेंट थी रिफॉर्म मूवमेंट थी प्योरेटेनिकल <coughs> थी हम ये भी कह सकते हैं कि दैट वाज़ द रिवाइवल ऑफ प्योरेटेनिकल मूवमेंट ऑफ शाह वली एंड दी अदर्स आई मीन द रिलीजियस रिफॉर्मर्स दे सपोर्टेड जिहाद बट दे प्रैक्टिकली डू जेहद इन इंडिया बिकॉज ब्रिटिश रूल वे एंड इट वॉज डिफिकल्टू कम इन ओपन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट ब्रटिश लेकिन देवबंद मूवमेंट को हमेशा अलीगढ़ मूवमेंट के तनाजुर में ही देखना है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपको सी एस एस में जो कि चांसेस तो कम है कि ये आए मगर अगर आ जाता है तो फिर देवबंद मूवमेंट को अलीगढ़ मूवमेंट के साथ कंपैरिजन करना और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया भी तो फिर अलीगढ़ और देवबंद का ही कंपैरिजन आएगा क्योंकि देवबंद मूवमेंट वाज अ रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट अलीगढ़ व्हेन अलीगढ़ वाज गेटिंग सक्सेस इन इंडिया देवबंद वॉज़ फाउंडेड एंड इट वॉज एम्ड एट preventing or minimizing the effect of uh, uh, aligarh movement. aligarh movement was uh, adopting uh, the policy of loyalty with the british, mending bridges with them. and then they were propagating modern education, english uh, language. on the other hand, the urban movement uh, adopted the opposite path. they wanted orthodox education. Uh, they had orthodoxy in their nature, and then uh, they uh, were about Islamic education, purifying the souls, Puritanical movement, and they were on conflicting path uh, to the British rule. Their approach was a kind of an ostrich-like approach, uh, not as rational as Sir Sayyid Ahmad Khan's, because Sir Sayyid Ahmed Khan's approach was rational. They were. A, some similarities between both of these movements. Number one, Sardar Ahmad Khan's illegal movement also claimed itself to be rational. Dioband was rational in a way that it did not go into conflict against the British in open, but they uh, favoured jihad. On the other hand, uh, uh, Dioband claimed uh, Shah Waliullah as their mentor, and uh, Sarsey Ahmad Khan also claimed. हिमस uh, मेंटर तो शाह वली दोनों के मैंटर्स ठहरे एटलीस्ट उनकी ज़ुबानी तो ये तो सिमिलरिटीज हो गई लेकिन शाह वली रैशनल अप्रोच रखने वाले थे शिया सुन्नी और मुख्त फ़िरक़ों में उन्होंने जो है आ, यूनिटी की कोशिश की फिर उसके बाद कॉमन थ्रेट का एलिमेंट जगाने की कोशिश की तो सर सैद अहमद ख़ान भी उस वक्त रैशनल थे ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को अपना रहे थे उनकी ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच नहीं थी बहुत इमेजिनेटिव काइंड नहीं थी लेकिन देवबंद जो है दे अडॉप्टेड एडोप्ट एंड इमेजिनेटिव अप्रोच तो आ, इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन अगर करें तो ये तो दो सिमिलिटीज़ हो जो मैंने आपको भी बताई हैं इसके अलावा देवबंद वॉज अ रिएक्शनरी मूवमेंट इट वॉज़ क्रिएटेड एज ए रिएक्शन टू अलीगढ़ एक तो ये हो गया फिर उसके बाद हुआ सिर्फ फ़ाउंडर ऑफ़ देवबंद मूवमेंट कहा जाता है कि हाजी मोहम्मद आबद का ये ब्रेन चाइल्ड था लेकिन इसके फ़ाउंडर बने आ, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना राशिद अहमद गंगोही ये दो इसके फाउंडर हुए दोनों ने इसको सहारनपुर में दिल्ली के पास ही देवबंद का एक मदरसा भी कायम हुआ और आ, मौलाना मोहम्मद कासिम की टॉयल थी हार्डवर्क थी ए, मौलाना मोहम्मद कासिम की इस हार्डवर्क की वजह से ही जो देवबंद जो स्कूल है उसका नाम वहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो था उसका नाम यहाँ पे दारुल दारलूम कासमिया रखा गया दारुल दारूम देवबंद भी कहा जाता है दारुल दारलूम कासमिया भी कहा जाता है एक बड़ा स्प्रॉलिंग किस्म का कैम्पस है और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने दी जो कि उस वक्त नहीं समझा जाता था कि दाढ़ी रखने वाले शरीयत पर अमल करने वाले देख सच गुड एडमिनिस्ट्रेशन बट दे गुड एडमिनिस्ट्रेशन। इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन इन कंपीटिंग दी क्रिश्चियन मिशनरीज दे रिमेंट क्वाइट सक्सेसफुल जो क्रिश्चियन मिशनरी धड़ाधड़ इंडिया में आ रहे थे एंड दे प्रीचिंग ऑल द ब्रिटिश हैड स्टॉप मैनी क्रिश्चन मिशनरीज टू कम इन टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट स्टिल देर कमिंग एंड दे व प्रीचिंग दे रिलीजन तो देवबंद के जो uh, जो दस्तार बंद जो तलबा होते थे ये बड़ी ज़बरदस्त डिबेट्स करते थे इन्होंने लॉजिक पड़ी होती थी और ये डिबेट में और लॉजिक में हरा देते थे आज भी आप हिंदुस्तान में देख सकते हो जो डिबेट करने वाले जो मेजर हैं जैसे जाकि नाइक हैं डॉक्टर झाके नाइक हैं अहमद दीदा उन से पहले थे और वो साउथ अफ्रीका में जाके आबाद हुए वो बेहतरीन डिबेट्स करते थे क्योंकि उनके पास लॉजिक की बड़ी पावर है तो हम कह सकते हैं कि वही लेगेसी है जो वहाँ से आ रही है वो अपने लड़के तैयार करते थे डिबेट के लिए और वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ डिबेट किया करते थे उस वक्त जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर आते थे वो उर्दू बोल उर्दू या हिंदुस्तानी या हिंदी बोल सकते थे कुछ ना कुछ तो उनके साथ डिबेट में अक्सर वो कामयाब रहते थे और ख़ुद ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये कहती हैं कि दाढ़ी रखा हुआ दस्तारबंद नया नया ग्रेजुएट निकला हुआ दारूम देवबंद से जो लड़का था वो उन उसको हराना डिबेट में बहुत मुश्किल हो जाता था हमारे क्रिश्चन मिशनरीज को अच्छा ये डिबेट का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आप क्रिश्चन को या किसी नॉन मुस्लिम को मुसलमान ना भी कर पाएँ तो अपने जो मुसलमान जो दूसरे लोग होते हैं उनको पक्का ज़रूर कर पाते हैं या उनको रोक देते हैं क्रिश्चियंस या फिर नॉन मुस्लिम्स की तरफ जाने के लिए डिबेट का एक असूल होता है डिबेट का असूल ये होता है कि जो अगला आदमी है उसके ऊपर आप अटैक या उसको आ, आप नीचा इसलिए दिखाते हो कि जो आपके सुनने वाले और उनके सुनने वाले हैं वो पक्के हो जाएँ कि आप सही हो तो इस मामले में देवबंद रिमेंड क्वाइट सक्सेसफुल Uh, दूसरी तरफ अगर हम अलीगढ़ को देखें तो अलीगढ़ वॉज ट्राइंग टू क्रिएट एमिकेबल रिलेशनिटी दे व कॉलिंग अपॉन दी मुस्लिम्स टू टेक गुड थिंग्स फ्राम क्रिस्चन बिलीवस और फ्राम क्रिस्चन प्रोग्रेस मोस्ट दी इस्लामिक सॉरी दैट ब्रिटिश कल्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अच्छी है इसको ले लेना चाहिए तो अच्छी चीज़ें जो ब्रिटिश कल्चर में मौजूद हैं यूरोपियन कल्चर में जो मौजूद हैं वो ले लेने चाहिए लेकिन जो देवबंद थे वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फ्लिक्ट बात थे वो बाकायदा उनको कम्पीट कर रहे थे निगेट कर रहे थे तो यहाँ पर फ़र्क आ जाता है फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और डिफ्रेंस आ जाता है और वह है कॉन्ग्रेस वन कॉन्ग्रेस वाउंडेड इन एटीन एटी फाइव सर सैद अहमद खान स्टॉप द मुस्लिम्स फ्राम पार्टिसिपेटिंग इन कांग्रेस पॉलिटिक्स बिकॉज यू बिलीव दैट वॉज ए मोमेंट फॉर द मुस्लिम्स टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द एजुकेशन एंड विदाउट डाइवर्टिंग द अटेंशन एंड पॉलिटिक्स इज़ अ ग्रेटर जबकि देवबंद इंसिस्टेड अपॉन द मुस्लिम्स टू पार्टिसिपेट इन कॉन्ग्रेस पॉलिटिक्स और मौलाना राशि अहमद गंगोही तो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं और उसके बाद हमने देखा बहुत सारे देवबंद के जो बड़े बड़े फिगर्स हैं वो बने भी कांग्रेस के लीडर्स या उनके प्रेसिडेंट्स भी बने हैं अच्छी कलीदो कलीदी अहदों के ऊपर रहे हैं जैसे हम आ, कह सकते हैं कि एक वक्त में मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी कांग्रेस के कलीदी अहदे के ऊपर रहे हैं फिर उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं तो मौलाना राशिद अहमद गंगोही भी इसी तरीके से रहे जो फाउंडर थे देवबंद के और इवन के अठारह सौ अट्ठासी में प्रॉबली ए, एक फतवा भी दिया अलीगढ़ के ख़िलाफ़ और सर सैद अहमद ख़ान के ख़िलाफ़ कि ये ठीक नहीं कह रहे ये पपेट्स हैं ये ब्रिटिश के हाथों में बिके हुए हैं और ये मुसलमानों को पॉलिटिक्स से दूर रख कर तो उनकी उनको तबाह करना चाहती हैं तो इस तरह से लेकिन दूसरी तरफ़ तो ये एक डिफरेंस आ गई अब हम एक और भी चीज़ देखेंगे जब बाद में मुस्लिम लीग जो है वो अलीगढ़ से निकली मुस्लिम लीग वॉज़ फाउंड फ्राम अलीगढ़ एक्चुअली तो मुस्लिम लीग निकली और उन्होंने पाकिस्तान की बनाने के लिए यानी इंडियन डिवीजन के लिए कोशिश करना शुरू की तो देवबंद जो थी ज़्यादातर देवबंदमा विद एक्सेप्शन उन्होंने यूनाइटेड इंडिया के लिए एफर्ट की तो यहाँ पर भी डिफ्रेंस आ जाता है और लेकिन एक तरह से सर सैद अहमद ख़ान की जो मूवमेंट है अलीगढ़ वो सक्सेसफुल रही आपने अपने एग्जामिनेशन में यही बताना है कि सक्सेस जो है वो उनके हिस्से में आई आ, एक चीज़ कि दे रिमेन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग यूनाइट लीडरशिप टू दी मुस्लिम इंडिया एंड देोबंद फेल टू यूनाइट दी होल इंडिया देवबंद जन उनको पोलिटिकल लीडरशिप वैसे ना दे सकी जैसे जैसे अलीगढ़ ने दी तो हम ये कह सकते हैं फिर उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं आप देख सकते हो देवबंद फाउंडर्स कौन थे मौलाना राशिद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानोत्वी और ये रिएक्शनरी uh, मूवमेंट है अलीगढ़ के ख़िलाफ़ तो हम यही कहेंगे कि अलीगढ़ बिकेम कॉज फ़ॉर क्रिएशन ऑफ देवबंद मूवमेंट तो देवबंद और ये डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने सिमिलर पॉइंट्स नहीं लिखे सिमिलर पॉइंट्स uh, दो हैं सिमिलरिटीज़ अगर हम देखें देवबंत में और इन में तो वो है एक मैंटोर दोनों क्लेम करते हैं कि उनके मैंटोर शाह वली हैं शाह वली हैं दोनों यही क्लेम करते हैं कि उनके मैंटोर शाह वली हैं और दोनों क्लेम करते हैं कि उनकी मूवमेंट रैशनल है फॉर द रिवाइवल ऑफ़ मुस्लिम्स दोनों काम कर रहे हैं रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स दोनों काम कर रही हैं दोनों जो मूवमेंट्स थी ज़्यादातर एजुकेशनल थी एक ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन को प्रमोट करती थी और दूसरी मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करती थी एक प्योरेटेनिकल मूवमेंट थी और दूसरी जो थी वो इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा या इंग्लिश कल्चर को अच्छी चीज़ें जो हैं वहाँ से लेने को कहती थी तो ये कुछ तो आ गई लेकिन हम कहेंगे कि श, आ, आ, जो सही जो अलीगढ़ अलीगढ़ मूवमेंट थी या सर सैद अहमद ख़ान वो सही रैशनल थे क्योंकि उस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर उन्होंने जो भी मुसलमानों के लिए अप्रोच अपनाई और शावली भी रैशनल थे अपने ज़माने के तो हम कह सकते हैं अच्छा इसमें अब डिफरेंसेस क्या है देवबंद और अलीगढ़ में देवबंद रिलीज़स थी औरडाक्स थी अलीगढ़ मॉडर्न और इंग्लिश एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देती थी देवबंद ने अडोप्टिड कॉन्फ्लिक्टिंग पार्ट टू ब्रिटिश रूल लेकिन अलीगढ़ लॉयल्टी को ज़्यादा प्रोपेगेट करती थी विद ब्रिटिश और वो कहती थी कि अपने ब्रिजिज़ को मेंड करने चाहिए रूलर्स के साथ फिर उसके बाद देवबंद ने डिबेट स्टार्ट की क्रिश्चियन मिशनरीज़ के साथ जो काफ़ी सक्सेसफुल इनकी रही क्रिश्चियन मिशनरीज का असर तोड़ने में मुसलमानों में काफ़ी हद तक कामयाब रहे देवबंद को इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए दूसरी तरफ अलीगढ़ वांटेड एमिकेबल अप्रोच टू तो क्रिश्चियनिटी जैसे कि कलाम लिखी सर सैद अहमद ख़ान में जिसमें उन्होंने बताई कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कैसे सिमिलैरिटीज़ है फिर देवबंद जो थी वो मुसलमानों की पॉलिटिक्स को फेवर करती थी और कांग्रेस को भी लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट उसके खिलाफ थी फिर देवबंद ने एंड पर यूनाइटेड इंडिया को फेवर किया लेकिन अलीगढ़ ने फेवर किया पार्टीशन को और Uh, इसमें देवबंद फ़ेल हो गई मुसलमानों को यूनाइट करने में लेकिन अलीगढ़ ने यूनाइटेड लीडरशिप मुसलमान मुस्लिम इंडिया को दी और देवबंद रिमें सक्सेसफुल आई मीन वी कैन सेट ऑफ शूट अलीगढ़ सॉरी ऑफ शूट ऑफ अलीगढ़ विच इज़ ऑल्सो मुस्लिम लीग हम कहेंगे मुस्लिम लीग ऑफ शूट इसलिए कि वो अलीगढ़ के ही ग्रेजुएट्स uh, ने बनाई थी और उसी ने ही लीडरशिप प्रोवाइड की थी तो मुस्लिम uh, लीग पाकिस्तान बनाने में कामयाब रही जबकि देवबंद यूनाइटेड इंडिया को बचाने में कामयाब नहीं रही